हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आज की वीडियो पावर पॉइंट की है। क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स का जो कि इस इंस्टीट्यूट पे पढ़ने आया करते थे, तो उनका ये सवाल आईटी टूल से भी काफी क्वेश्चन आते हैं सर, तो उनको भी आप समझाएं, पावर पॉइंट के बारे में बताएं। तो आईटी टूल्स में पावर पॉइंट से रिलेटेड काफी क्वेश्चन आते हैं, तो चलिए पावर पॉइंट पर आधारित प्रैक्टिकल देखते हैं। तो सबसे पहले विंडोज के साथ आर बटन प्रेस करता हूं, क्योंकि हमें यहां पर पावर पॉइंट ओपन करना है। तो आपको यहां पे क्या लिखना है, कीवर्ड टाइप करना है पावर POWER और बिना गैप के आगे लिखिए PNT, तो पावर PNT आपको लिखना है। आप देखिए ये मैंने एक्टिवेट कर रखा है, खैर यहाँ पे पावर PNT करता हूँ और यहाँ से ओके प्रेस करता हूँ तो इंग्लिश में आएगा। तो अभी ये पावर पॉइंट ओपन हो रहा है, देख सकते हैं आप। अभी यहाँ पे क्या करना है, हमें सबसे पहले इंसर्ट पे जाना है और इंसर्ट पे जाने के बाद हमें वर्ल्ड आर्ट चूज कर लेना है। आप कुछ और भी ले सकते हैं, लाइक कहीं और से आप इसको इंसर्ट कराना चाहें इस टेक्स्ट को, तो आप वहां से भी करा सकते हैं। यहां से मैं क्या करता हूं, फॉन्ट चेंज कर लेता हूं, मैं यहां हिंदी में टाइप करूंगा। तो यहां से मैं कृति फॉन्ट कर लेता हूं, तो ये यहां पर अब मैं अपना नाम लिखता हूं, लाइक ये लिख दिया, ठीक है। तो यहां पे ये के प्रेस करेंगे तो ये इस तरह से हो जाएगा। अब इसको सेलेक्ट करके थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, अब ये देख सकते हैं बड़ा हो चुका है। अब इस पर एक छोटा सा एनिमेशन देखिए, बहुत ही पॉपुलर एनिमेशन है और इसका प्रयोग करेंगे, काफी अच्छा लगेगा आपको। पहले ही वीडियो में मैं एनिमेशन बता रहा हूं, तो देखिए इसको सिलेक्शन में ले लीजिए। सिलेक्शन में लेने के बाद आपको जाना कहाँ है, एनिमेशन टैब पे जाना। मैं माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट का 2019 वर्जन यूज कर रहा हूं, ठीक है। अगर आप ये एनिमेशन लगाना चाहते हैं 2007 में या अन्य किसी वर्जन में लगाना चाहते हैं, तो आपको स्विस एनिमेशन लगाना होगा, स्विस SWISH, ठीक है। मैं जो लगा रहा हूं उसे कहते हैं ड्रॉप, और यही आपको मिलेगा 2007 में स्विस के नाम से, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखनी है। और यहाँ पे एंट्रेंस इफेक्ट पे जाना है, यहाँ पे एंट्रेंस इफेक्ट में आपको ड्रॉप एनिमेशन मिल जाता है, तो यहाँ पे जाइए, ये देखिए ये ड्रॉप एनिमेशन है एक्साइटिंग में, ठीक है। तो ये ड्रॉप एनिमेशन पे आपको क्लिक कर देना है। तो जैसे ड्रॉप एनिमेशन पे क्लिक करेंगे तो आप ये देखेंगे कि ये किस तरह से एनिमेट करेगा, ठीक है। ये पूरा ही आपको सिलेक्शन में लेना है। अब देखिए मैं F5 प्रेस करता हूँ, F5 वो शॉर्टकट की होती है जिसकी मदद से आप ये स्लाइड शो करवा सकते हैं। तो यहाँ पे F5 जैसे ही प्रेस करूंगा तो ये देखिए अब ये स्लाइड शो होने लगा है इस तरीके से। अब यहां पर आपको एक बार एंटर प्रेस करना होगा, एक बार जैसे ही आप एंटर प्रेस करते हैं तो ये इस तरीके से आएगा। ये एनिमेशन जो है ड्रॉप एनिमेशन है, और इसी को माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2007 में हम स्विस के नाम से जानते हैं, ठीक है।